I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever. वेलकम बैक टू द चैनल दानिश के ब्लॉग्स। उम्मीद होगी सभी अच्छे होगे। भाई आज हम आपको लेकर चल रहे हैं झांसी हाईएस्ट जो स्टैचू है वो है हमारे ध्यानचंद जी का, तो वहीं पर हम लोग आपको लेकर चलेंगे। और पहले तो मेरे पीछे आप लोग व्यू देखो, कितना प्यारा मौसम हो रहा है और यहां से आपको पूरी झांसी दिख रही होगी और बारिश का मौसम होने वाला है। तो चलिए आपको फटाफट से ऊपर लेकर चलते हैं। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं और ये देखिए कितनी सही ग्रीनरी हो रही है। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं ऊपर। बात कर लेते हैं हम लोग इसके एड्रेस की। एड्रेस इसका जो है वो है जर्मनी हॉस्पिटल के पीछे। हम आएंगे तो वहीं पे आपको बड़ा बड़ा बोर्ड लगा मिल जाएगा मेजर ध्यानचंद जी का। तो बस वहीं से हमको सीधा सीधा आना है गली से, और ये इतनी सारी सीढ़ी रही। तो चलिए अब फटाफट आपको ऊपर लेके चलते हैं, वहां से दिखाते हैं शानदार शानदार व्यू और शायद बारिश भी देखने को मिलेगी। अपना नाम है भाई डीजे। डीजे भाई है, जल्दी इनके साथ कोलैब होगा। भाई हमारे हमको कहाँ फेसबुक पे देखा। हाँ बिल्कुल भाई, फेसबुक पे देखा था भाई। चलिए भाई जल्दी कोलैब करते हैं, साथ में राइड करते हैं। अच्छा लगा मिलकर भाई। और बाकी व्यू देखो आप कितना शानदार हो रहा है। भाई के आने से भी कुछ ज्यादा ही शानदार व्यू हो चुका है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए चलते हैं ऊपर, जल्दी कोलैब करेंगे भाई के साथ। चलो चलो भाई, बिल्कुल भाई को भी, हमारे डीजे भाई को भी, उनके साथ राइड होगी हम लोगों की जल्दी। और अच्छा लगा भाई मिलकर। भाई बहुत देर से देख रहे थे हम लोगों को कि भाई के हम ब्लॉग देखते हैं। होता क्या है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं तो लिंक वगैरह शेयर करते हैं तो वो फेसबुक पे ही चला जाता है। तो भाई फेसबुक द्वारा देखते थे, भाई से मिले, काफ़ी अच्छा नेचर था, काफ़ी सारी बातें हुई। और भाई राइडिंग का सिस्टम रहता है भाई का, तो जल्दी उनके साथ भी कोई राइड का प्लान बनाएंगे। और सीढ़ी बहुत है यहाँ पर, बाकी आप लोग गिन के बताना कि यहाँ पर कितनी सीढ़ी हैं। और ये चेक करो गाइस, मेजर ध्यानचंद जी और पास से इनको दिखाएंगे, क्या मस्त स्टैचू है। और यहाँ पूरे में रेनोग्रेट हो चुका है, लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें लगा दी हैं, इसीलिए हम लोग आए थे यहाँ पर। जब लाइट वगैरह जल जाएंगी ना तो नाइट का व्यू बहुत ही ज़्यादा शानदार आने वाला है। और इतनी हम लोग हाइट पर है ना, इतनी मस्त हवा लग रही है, ठंडी ठंडी, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। बारिश के चांस थे बट बारिश ख़त्म हो चुकी है। अब ऊपर चढ़ के हम दिखाएंगे यहाँ का सारा व्यू। और ये बताना झांसी में किसको यहाँ से अपना घर दिख रहा है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बिल्कुल टॉप पर, और यहाँ से देख लो आप लोग स्टैचू। क्योंकि बारिश वगैरह के चक्कर में मौसम थोड़ा अजीब सा हो गया ना, तो कालापन छा चुका है। और ऊपर चल के ही दिखाएंगे, तो ये सारी लाइट्स वगैरह लग चुकी हैं। और यहाँ से देखिए गाइस क्या शानदार व्यू हो रहा है, क्या शानदार बादल हो रहा है। ये रहे हमारे इंडियन ब्लॉगर जो कि अकेले अकेले व्यू को एंजॉय कर रहे हैं, बट साथ में हम लोग भी एंजॉय करेंगे। और यहाँ देखिए कितने सारे घर, और जहाँ आपको पानी पानी दिख रहा होगा ना वो जगह है हमारी पहुँच बांध। और यहीं से ये हाईवे निकला है, यहाँ से आप शिवपुरी भी जा सकते हैं, बबीना भी जा सकते हैं और ग्वालियर भी जा सकते हैं। बाकी ग्रीनरी वगैरह काफ़ी शानदार हो रही है और मौसम तो फिर है ही काफ़ी अच्छा। और यहाँ पर पानी वगैरह अगर आता भी है बाय द वे, तो पानी वगैरह से बचने के लिए भी ये एरिया बनाया है, तो हम यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, बारिश वगैरह से भी बच सकते हैं। और यहाँ पर लेटर लगे हुए थे आई लव झांसी के, बट यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो यहाँ की चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो ये भाई बहुत गलत चीज़ है। जो लाइट्स वगैरह भी देख रहे होंगे ना आप, ये इतनी सारी लाइट्स वगैरह लगी हैं, ये भी लोगों ने इसको पहले जो लगी थी उनको तोड़ा, उनका नुकसान किया। तो भाई ये सब हरकतें मत किया करो। हाँ जल्दी आ रहा है, अच्छे से चढ़। ये देखो जरा हमारे देश के युवा कहाँ चढ़े जा रहे हैं, फ़ोटो वगैरह के लिए देखो कहाँ चढ़े जा रहे हैं, बहुत गलत बात है ये। आप लोग भी कमेंट करके इनको बोलो कि बहुत गलत बात है। बाकी यहाँ व्यू चेक करो, क्या मस्त लग रही है हमारी झांसी।
वो आपको स्टेडियम दिख रहा होगा, ये है हीरो स्पील जो कि जर्मनी के पास है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा है यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी झांसी है। और मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंडी ठंडी हम लोगों को हवा मिल रही है और यहाँ सारी न्यू लाइट लगी हैं। पानी अब आता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बादल वगैरह तो बोल रहे हैं, बिजली भी हल्की हल्की कड़क रही है। और वहाँ आपको दिख रहा होगा जो आपको रेलवे ट्रैक दिख रहा होगा, तो ये रहा अपना झांसी ग्वालियर वाला, और जो उस तरफ रहा वो है झांसी कानपुर वाला। ये देखो ध्यानचंद जी का जूता देखो और हमारी चप्पल देखो, कहती मैंने कितनी 500 बन जाएंगे। इसी बात पे इस पे बैठ के गाना तो गाते, मैं तेरे पाँव की जूती ना। भाई कॉपीराइट आ जाएगा, सॉरी कट कर देंगे इसको। गाइस लाइक सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल, तो ढेल ताले तमैन तले लाइक करें, दबा के और दबा के। ओ गाइस ये देखिए आप, इसी हम लोग व्यू के लिए रुके थे। जो लाइटिंग होती है ना यहाँ की बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है। अभी आपको पास से भी दिखाएंगे, पहले पूरा प्रॉपर अंधेरा हो जाने दो, उसके बाद दिखाएंगे पास से। इसलिए हम लोग आए थे, हम लोग दिन सीपरी वाले ब्रिज से जा रहे थे ना, तब हम लोगों को यहाँ की लाइटिंग काफ़ी अच्छी लगी थी। हमने कहा यूट्यूब पर व्लॉग वगैरह भी देखा था हम लोगों ने, तो काफ़ी टाइम से हम लोगों को यहाँ का ब्लॉग ही नहीं देखा न्यूली। लोगों के देखा किसी का 2 साल पुराना था, किसी का 3 साल पुराना था, तो हमने कहा क्यों ना आपका भाई ये जिम्मेदारी उठाएगा। तो हम लोग इसलिए आज आ गए थे ध्यानचंद जी की मूर्ति पर, तो हमने कहा आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं। आप लोग यहाँ पर आते हो बट प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो। यहाँ का जो उनका स्टैचू था उसमें भी काफ़ी डैमेज था, लाइट्स वगैरह लगी थी लोगों ने वो तोड़ दी, गंदगी वगैरह भी यहाँ पर बहुत ही है। तो आप आते हो अपनी झांसी को स्वच्छ रखो, स्वस्थ रखो। वहाँ आपको शायद दिख रहा हो वो ट्रेन से जा रही है, तो ये है हमारी हजरत निजामुद्दीन रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये चेक कर रहे हो गाइस क्या व्यू आ रहा है, क्या मस्त हवा लग रही है, पूरा झांसी देख लो आप यहाँ से। तो गाइस ये रहे हमारे ध्यानचंद जी का स्टैचू, जिनको हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, और ये झांसी में बहुत ही ज़्यादा हाइट पर है। आप इनको पूरी झांसी में आप कहीं से भी देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप दूर से भी आ रहे हैं हाईवे वगैरह पर, तो आपको मूर्ति दिख जाएगी, आप समझ जाओगे कि हम झांसी में आ गए। और बाकी इतिहास के बारे में इनका क्या ही बताना, ऐसा कोई नहीं होगा जिनको इनका इतिहास नहीं पता होगा। सिर्फ ट्रेन की आवाज़ सुनो, यहाँ पर दिखेंगी नहीं, विजिबिलिटी नाइट में बिल्कुल कम हो जाती है। और ये कोई अगर यहाँ से ड्रोन होता ना, तो इतने चुम्बेश्वरी व्यू आते ना। चटनी खा लो गाइस, चटनी कहाँ से आ गई साथ, तो गाइस इसी चीज़ों की बात कर रहा था मैं। ये देखो मोमोज वगैरह खाए, अच्छी बात है, बट यहाँ पर अपनी चटनी वगैरह छोड़ गए। और काफ़ी सारी गंदगी है यहाँ पर, दारू मारू की बोतलें, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं भाई, आओ बैठो एंजॉय करो, बट गंदगी नहीं फैलाने का। चलो बड़ा ही खतरनाक रास्ता है, तुमको आराम आराम से हौले हौले उतरना पड़ेगा। और एक चीज़ दिखाएं आप लोगों को, वो देखो जरा ध्यानचंद जी की जो ऊपर टी शर्ट है ना, वहाँ पर जूम करो जरा, वहाँ देखो कितनी सारी छुपकलियाँ हैं, छुपकलियाँ दोस्ती करने आई हैं, छिपकलियाँ। और बाकी हम लोगों को बिल्कुल संभल संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर
अंधेरा तो है ही, साथ में कांच वगैरह बोतलें वोतलें टूटी पड़ी हैं, तो बिल्कुल संभल के चलना पड़ेगा। और गाइस हम लोगों का यहाँ का ब्लॉग बनाने का ये पर्पस था, पहले तो हमने यूट्यूब पर सर्च किया, दो तीन साल से यहाँ का ब्लॉग ही नहीं डाला। और दूसरी बात, जब यहाँ की जो लाइट्स वगैरह है, ये काफ़ी बार 3 से 4 बार यहाँ की सही हो चुकी हैं सारी चीज़ें, बट यहाँ के लोग पता नहीं भाई क्या ही चल है उनको, कि यहाँ की लाइट्स वगैरह तोड़ देते हैं, यहाँ गंदगी करते हैं, यहाँ लेटर वगैरह लगे टाइला झांसी के वो भी तोड़ दिए हैं। तो भाई ये सब हरकतें क्यों क्यों वाई? इसलिए भाई ये सब हरकतें मत करो, हमारी झांसी को और ऊंचाइयों पर पहुंचने दो, झांसी का नाम होने दो, नाम रोशन करो झांसी का, ना कि डुबाओ। जो ये जिसने स्टैचू ये बनाया है उनका नाम भी लिखा हुआ है, लाला राम प्रजापति एंड पवन प्रजापति झांसी, जिन्होंने इतनी शानदार मूर्ति बनाई हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैठ लिया है, व्लॉगिंग कर ली है, और हमने कहा चलिए आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, यहाँ का ब्लॉग भी दिखाते हैं, क्योंकि 2024 में यहाँ पर ब्लॉग ही नहीं था, और यहाँ पर हम और हमारे वीरू भाई के अलावा यहाँ कोई है ही नहीं। सभी लोग जितने भी थे, ज़्यादातर यहाँ पर स्टूडेंट लोग आते हैं, सभी लोग जा चुके हैं, सिर्फ हम और हमारे वीरू भाई। हमने कहा चलिए ब्लॉग वगैरह बन गया, टाइम भी काफ़ी हो रहा है, रोशनी अच्छी लग रही है, पूरी लाइट है बढ़िया मज़ेदार, ऊपर से नीचे तक रात में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाइट में जो व्यू आ रहा है बिल्कुल सीढ़ियों का एक नंबर, क्योंकि सब कुछ दिख रहा है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल सकते हैं अपन, तो चलिए नीचे चलते हैं अपन। अरे मेरा 5 का खो गया, 5 का कलदार दिख रहा है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, व्यू तो सच में काफी अच्छा आ रहा है, पूरे में लाइटिंग हो रही ना, एकदम जगमगा रहा है। और यहाँ से स्टैचू भी दिखाते, काफ़ी बैठ लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बस सिर्फ एक चीज़ की हमको कमी खल रही थी, वो थी बसंत की चाय। भाई झांसी में जो हमारे भाई लोग रहते होंगे ना, उनको पता है कि बसंत की चाय का कितना महत्व है, ऐसे लोकेशन पर बैठे हो, इतनी अच्छी हवा चल रही हो, साथ में हमारे वीरू भाई हो, बट हम लोगों को कमी सिर्फ खल रही थी चाय की, चाय और मिल जाती ना तो सोने पर सुहागा हो जाता भाई, बट कोई नहीं, अब जाकर पी लेंगे हम लोग। सब्सक्राइब कर लो गाइस, सब्सक्राइब। तो गाइस टाइम आ चुका है इस लोकेशन को बाय बोलने का, बाकी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, जो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, नो कंजूसी फटाफट सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।